हेलो जी, आई एम मोहम्मद दिलाली शाह। बेसिकली आपके भाई का ताल्लुक पेशावर से है और आपका भाई एक स्टूडेंट है। सुबह सुबह ऑडियंस को ये नहीं जान क्या हो गया, ये तेरा नाम क्या है और तेरा ताल्लुक कहाँ से। ऑडियंस को ये जानना है तुझमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि तूने ये चैनल बनाया, और तुझमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो तेरी वीडियो देखे, समझा। चल कभी तो तूने अकल की बात की। तो बेसिकली इस चैनल को बनाने की जो हिस्ट्री है वो कुछ यूँ है कि बेसिकली आपके भाई को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि भाई तेरे फोटोग्राफ वीडियोग्राफी ये तो कमाल के हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई यूट्यूब। नहीं तेरी बात ठीक है, लेकिन तुझे भी पता है कि तेरा भाई टाइम नहीं मैनेज कर पाता और ना ही उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने के लिए। देख भाई, पहले दिन तो तूने झंडे गाड़ने हैं नहीं, यू मे स्टार्ट विद अ जीरो। पहला कदम जब तेरा सीढ़ी पे जाता है तो सेकंड कदम भी तू उठाता ही है ना, हैव अ गुड स्टार्ट। तो आज आपकी भाई ने सारे बहाने जैसे कि टाइम मैनेज ना होना, अच्छा इक्विपमेंट ना होना, इसी तरह के कई एक्सक्यूजेस को आपके भाई ने इग्नोर किया और यूँ आपके भाई ने अपनी लाइफ का फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाकर पब्लिश कर दिया। वैसे आपके भाई ने चैनल तो बना लिया, किधर जा रहे तू? अब ये नहीं समझ आ रही कि अपलोड क्या करूँ। भाई यूट्यूब में डिफरेंट कंटेंट्स हैं, लेकिन तू वही करी जिसमें तेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो, एंड यू कैन गिव इट बेस्ट। जब बात रही बेस्ट की, आपका भाई तीन ही चीजों में बेस्ट है। इसमें नंबर वन है कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली जो आजकल का जमाना है वो कंटेंट क्रिएशन का है, जहाँ हर कोई अपने आइडिया शेयर करता है और सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। तो इस रेस में आपका भाई कैसे पीछे रह सकता है? जहाँ तक बात रही क्रिएटिविटी की, तो आपका भाई हमेशा कुछ अलग करना चाहता है। और फिर यूं आपका भाई मोबाइल और ट्राइपॉड उठाकर निकल पड़ा कुछ नया और अलग कंटेंट बनाने के लिए। आप पेशावर आए और आप इस्लामिया कॉलेज नहीं आए, तो आप आए ही क्यों? वैसे आपके भाई को हर एक चीज को डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पसंद है, और पसंद होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब आप किसी चीज़ को डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देते हैं तो दुनिया की हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ आपको खूबसूरत लगने लगती है। एक फेमस कंटेंट क्रिएटर का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बने, तो आप इस दुनिया को एक बिल्ली की नज़र से देखें। बिल्ली की नज़र से मुराद आप इस दुनिया को डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दें। और जैसे ही आप इस दुनिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एंगल से देखेंगे, आप ख़ुद को एक बेहतर कंटेंट क्रिएटर पाएंगे। वैसे आपके भाई ने आपको बताया नहीं, लेकिन आपके भाई का जो दूसरा शौक है वो है ट्रैवलिंग का। आपके भाई को घूमना फिरना बड़ा पसंद है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब आप घूमते फिरते हैं तो आप बेसिकली ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं। वैसे कहा जाता है कि इस ज़िंदगी की मिसाल एक किताब जैसी है, और जो लोग ज़िंदगी को एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस नहीं करते,
उनसे मुराद वो लोग हैं जो कि सिर्फ किताब का पहला सफ़ा पढ़ते हैं। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें और डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलें। और आपके भाई को पसंद है नए लोगों से मिलना और उन्हें जानना। वैसे आपके भाई को कंटेंट को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करना भी पसंद है। वैसे कंटेंट दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक है विद गेम्स और एक होते हैं विदाउट गेम्स। ये वो गेम्स नहीं है जो वो आपके साथ खेल गई। विदाउट गेम्स कंटेंट को कुछ यूं प्रेजेंट किया जाता है। आपका भाई आया था इसलिए हमें करें तो सीन कुछ यूं है कि यहाँ का मौसम अच्छा है और यहाँ के पेड़ भी अच्छे हैं। विद गेम्स का ये मतलब है कि आप अपने कंटेंट को कुछ यूं प्रेजेंट करवाते हैं जिससे आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट कैप्चर हो और वो आपके कंटेंट को पसंद करे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। स्टोरी टेलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है कंटेंट को प्रेजेंट कराने में। इसमें हम अपने कंटेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करवाते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और उनका फ्लो ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। वैसे आपके भाई को शेर और शायरी से बड़ा लगा हुआ है और होना भी क्यों नहीं चाहिए। शायरी तो जज्बात की मौसीकी है जिसका असर दिल और दिमाग दोनों पर होता है। वैसे क्या आप लोगों को शायरी के बारे में पता है? चले मैं आपको बताता हूँ कि शायरी होती क्या है। शायरी एक ख़ास अंदाज में लिखी जाती है जिसके लिखने वाला होता है शायर, जो कि अपने जज्बात, खुशी, गम, प्यार या फिर किसी भी वाक्य को अपने अल्फाज के ज़रिए इजहार करता है और जिसमें हर लफ्ज़, हर बात, हर शेर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। शायरी आपको मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आएगी, जैसे कि नज़म, गज़ल और कवाली वगैरह। मेरे लिए शायरी एक बड़ा मकाम रखती है क्योंकि इसमें हर एहसासात का इजहार होता है, चाहे वो खुशी का हो या गम का, मोहब्बत का हो या नफ़रत का। शायरों ने हर एहसासात को अपने अंदाज में बयान किया है, जिसमें मेरी पसंदीदा शायरी मोहब्बत की शायरी है। मोहब्बत की शायरी एक ऐसा हुनर है जिसमें शायर अपनी मोहब्बत के एहसासात को अल्फाज के ज़रिए बयान करता है और फिर वो यूँ शायरी के ज़रिए अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है। इस बात पर आपके भाई को अहमद फराज साहब की वो गज़ल याद आई जिसमें वो लिखते हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे बिंदार मोहब्बत का भ्रम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, अब तक दिल खुश फहम वो तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शमें भी बुझाने के लिए आ।